आठ साल का एक बच्चा एक रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दूसरी दुकान में जाकर एक रुपया का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे दुकानदार ने पूछा, ए लड़के, एक रुपये में तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी उसको भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसा करके करके वो जाने लगा। और ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास जाकर पहुंचा और उस बूढ़े दुकानदार से पूछा, क्या आपके पास ईश्वर है? क्या आपके पास ईश्वर मिलेंगे? उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह सवाल सुनने के बाद बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई और बच्चे ने बड़े उत्साह के साथ उस बूढ़े दुकानदार को उत्तर दिया, इस दुनिया में मां के अलावा मेरा कोई नहीं है और मां दिन भर काम करने के बाद मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अब अस्पताल में है, अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? और डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं, इसीलिए मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हां हां मिलेंगे, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ एक रुपए। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, कोई दिक्कत नहीं, एक रुपए में ही ईश्वर मिलते हैं। दुकानदार ने उस बच्चे के हाथ से एक रुपए का सिक्का लिया और सोचने लगा, इस एक रुपए में तो एक ग्लास पानी भी नहीं आएगा। फिर वो दुकान के अंदर गया, फिल्टर से एक ग्लास पानी उसने भरा और उस बच्चे को दिया, बोला, ये पानी तुम अपनी माँ को पिला दो तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। बच्चा हंसी खुशी वहां से निकल पड़ा अस्पताल की ओर। अगले दिन कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस अस्पताल में गए, वहां पर उस महिला का ऑपरेशन किया। 2-3 दिन के अंदर वो महिला स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर देखा तो 1.5 लाख का बिल। महिला के होश उड़ गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दे दी है आपके लिए। महिला उस चिट्ठी को लेकर खोलकर पढ़ने लगी और उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ एक रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। दोस्तों, विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती है, यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे एक रुपए में भी मिल सकते हैं। आइए इस महामारी से बचने के लिए हम सभी मन से ईश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें और उनसे माफी मांगे और कहे, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मन से इसको लाइक करिए और सबको इसको शेयर करिए। नया है इस चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और अपने परिजनों का ख्याल रखे। धन्यवाद।